अब भाई क्वारंटाइन का टाइम है और लोग घर पे अलग अलग हैं, तो सब क्या कर रहे हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस वक्त हमारे भोजपुरिया स्टार्स घर में बैठकर किस तरह से लोगों से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप कॉलिंग हो रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही है। आपको यकीन नहीं आता तो देख लीजिए कि दिनेश लाल यादव, निरहुआ खेसारी लाल यादव, डायरेक्टर रजनीश मिश्र और प्रोड्यूसर प्रशांत, ये सभी लोग एक साथ व्हाट्सएप कॉलिंग करते हुए यानी कि ग्रुप कॉलिंग करते हुए नज़र आए। और इन्होंने जब अपनी बात ख़त्म कर ली तो अपने पिक्चर्स, अपने स्टेटस उन्होंने अपने लोगों के बीच शेयर किया कि हम लोग किस तरह से अपना समय बिता रहे हैं। हम एक दूसरे से मिलना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ऐसी स्थिति में हमें घर रहना है और सरकार के आदेशों और निर्देशों का पालन करना है, क्योंकि हमारे भोजपुरिया सेलिब्रिटी ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर वो इस बात का पालन करेंगे तो उनका देखा देखी उनके फैंस इस बात का पालन ज़रूर करेंगे। तभी तो भाई पवन सिंह लाइव आए और उन्होंने अपने फैन से, सभी फैन से रिक्वेस्ट की कि जिस तरह से सरकार कह रही है कि घर पर रहें तो कृपया घर पर ही रहें। तभी तो पवन सिंह लाइव आए और अपने फैंस से ये गुजारिश करते नजर आए कि प्लीज़ घर पर रहिए, सेफ रहिए, सरकारों के दिशा निर्देश का पालन कीजिए। तो भाई आप समझ गए होंगे कि हमारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो अपना टाइम पास करने के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन घर में ही हैं। भले ही उन्हें बोर हो रहा है, लोगों से मिलना चाहते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन पार्टीज होती ही रहती हैं, और फिर ऐसे में आप सोच सकते हैं जो स्टार्स दिन रात बिजी रहते हैं, अचानक एक दो दिन की छुट्टी मिलती है तो सब इंजॉय करते हैं, लेकिन इतने दिन की छुट्टी वो किस तरह बिता रहे हैं? सभी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगे हुए हैं और सबको बता रहे हैं कि वो खाली पीरियड में क्या कर रहे हैं। सभी ये बता रहे हैं कि कोई घर की सफाई कर रहा है तो कोई खाना बना रहा है, लेकिन घर से बाहर कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि सभी ये जानते हैं कि कोरोना कितनी खतरनाक महामारी है। सो भाई हम भी आपसे यही अपील करेंगे, स्टे होम, बी सेफ। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।